हाय YouTube, दिस इज़ देव एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। और आज इस वीडियो में मैं आपको अपने बजीज की प्रोग्रेस दिखाने जा रहा हूँ। इंग्लिश बजीज तो मतलब नेस्ट बॉक्स में घुसने लग गए हैं, बट जो भी मेरे पास तीन पेयर्स हैं, एक वो नया पेयर जो भावुक मुझे देकर गया था, उन्होंने भी ब्रीडिंग कर दी है और मैं इन सबका प्रोग्रेस आपको एक बार चेक करा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला पेयर है, जहाँ पे ये देखिए पाइड मेल है एंड इसकी वो पाइट फीमेल उधर बैठी हुई है। दोनों ही सेम कलर में हैं एंड मैं आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई, मटकी में दो तीन चार, तो भाई देखिए एक दो तीन चार, चार बच्चे हैं। ठीक है, तो ये चार बच्चे हैं भाई इनके। और मटकी मैंने तीन दिन पहले साफ़ करी थी, लेकिन फिर भी गंदी हो गई है। आपको बाकी दो जो मेरे नेस्ट बॉक्स हैं और मटकी हैं, उनकी भी आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ। दूसरा पेयर उधर मेरा बैठा हुआ है, वो देखिए फीमेल जो है एकदम सेकंड लास्ट और मेल लास्ट। अभी देखिए भाई, इनके इन्होंने दो अंडे दे दिए हैं इस फीमेल ने। अभी और भी लेइंग करेगी, अभी इसकी लेइंग स्टार्ट हुई है। तीसरा पेयर है वो यहाँ पे, ये रहा। अभी तक इसने कुछ ब्रीडिंग व्रीडिंग करी नहीं है, सॉरी इसने मतलब बच्चे नहीं निकाले हुए हैं, लेकिन फीमेल एग्स लेके बैठी हुई है। तो इसके चार पांच एग्स हैं, मैं इसको ज़्यादा भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। आई डोंट नो इसमें से कितने बच्चे निकलेंगे कितने नहीं। बाकी जो मेरा ये एग्जीबिशन का पेयर है, इसने नेस्ट बॉक्स में जाना स्टार्ट कर दिया है। इसकी फीमेल अंदर जाती है, मेल बाहर बैठा रहता है। तो होपफुली आफ्टर 10 दिन 15 दिन में आपको इनका प्रोग्रेस देखने को मिल जाएगा। पैरट लेट के भाई इस वाले पेयर ने जो है चार एग्स ले किए थे, और इनके चारों के चारों फिलहाल फर्स्ट ब्रीडिंग थी, तो शायद इनफर्टाइल निकल गए एंड उसकी वजह से मैंने इसका नेस्ट बॉक्स अलग कर दिया है। और पैरटलेट्स गाइस होते भी थोड़े नाजुक हैं, तो अगर आप लगातार इनसे ब्रीडिंग लेते रहेंगे तो फीमेल जो है वो एक्सपायर कर जाती है। इसीलिए मैंने फीमेल को रेस्ट दिया है, मेल को रेस्ट दिया है, 10-15 दिन रुक के कैल्शियम देकर और अच्छे से इनकी खातिरदारी करके फिर से इनको नेस्ट बॉक्स लगा दिया जाएगा। मैं इसका नेस्ट बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक इसके अंडे जो है नेस्ट बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो गाइस ये है इसका नेस्ट बॉक्स एंड यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो एग्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है देखिए चार एग्स देख रहे हैं, तो ये पैरटलेट्स के एग्स हैं और ये चारों के चारों जो खाली थे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट फीडिंग में ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे। अब गाइस सोच ही रहा हूँ कि जो मेरे ज़ीब्रा फिंचेस हैं इनको मैं नेस्ट बॉक्स वगैरह दे दूँ या फिर इनको मटकी दे दूँ। और जो लेफ्ट में जो सबसे लेफ्ट में जो फीमेल, इसके पाँव में थोड़ी लगी है, आई डोंट नो कैसे लगी है, लेकिन इसको लगी है। एनीवे ठीक हो जाएगी। और बाकी जो है मेरे पेयर सूत्रों की, इनके लिए मैं नेक्स्ट बॉक्स दे देता हूँ एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप कमेंट करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट बॉक्स देना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो फ़िलहाल यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिए एंड ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक यू एंड हैप्पी पेटिंग। बाय बाय।